जो वीडियो है वो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा जारी किया गया है। जो भी है, ये लोग अपना एजेंडा चलाते रहते हैं, गलत सलत वीडियो देखा करके। जो है ये सिर्फ इनका ही वीडियो नहीं, बहुत सारा वीडियो जो है वो गलत तरीके से दिखाते हैं। और डीवाई चरणचूड़ जब वहाँ पहुँचे तो जब अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल चीफ जस्टिस इज हायर देन द होम मिनिस्टर, तो वो जब पहुँचे तो गृह मंत्री खुद आकर के मतलब उनसे वीडियो का पूरा आप क्लिप देखिए तो आप समझ जाएंगे। वो कुछ ही सेकंड का वीडियो दिखाया जा रहा है उस मुद्दे के लिए। वो जो हैं पहले चीफ जस्टिस आए, उसके बाद वो खुद खड़े होते हैं, गृह मंत्री खुद खड़े होते हैं और उनके पास आते हैं चीफ जस्टिस के पास और दोनों अभिवादन करते हैं। कहते हैं कि जब न्याय ना मिले सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला रहता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप गुहार लगाएंगे तो जो फैसला आएगा वो फैसला ऐसा आएगा कि आपको तसल्ली मिल ही जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन अब लगातार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के भगवान या देवता कहे जाने वाले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का जो एक कल वीडियो सामने आया वो लगातार ये संदेश दे रहा है कि अब भाजपा पार्टी के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है सिवाय राजनीति ऐसी जो विशुद्ध है, राजनीति ऐसी जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, राजनीति ऐसी जिसमें राज करने की ही नीति है, यानी कि राज हम करेंगे, तानाशाही हम बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब डीवाई चंद्रचूड़ जब लाल किले पहुंचते हैं 15 अगस्त को और जब अमित शाह से जो अभिवादन वो करते हैं हाथ जोड़कर, ऐसे हाथ जब मिलाते हैं उनसे, तो आखिर क्यों अमित शाह उनको इग्नोर कर देते हैं? क्या अमित शाह डीवाई चंद्रचूड़ से नाराज हैं? क्योंकि तमाम अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस छाप दी है, ये बता दिया है कि अब अगर फैसला भाजपा पार्टी के पक्ष में नहीं आएगा तो ऐसा ही होगा जैसा डीवाई चंद्रचूड़ के साथ हुआ। दर्शकों, तस्वीर भी आपने देखी होगी, जिस तस्वीर में डीवाई चंद्रचूड़ मुस्कुराते हुए अमित शाह की तरफ बढ़ते हैं और अमित शाह उनको पीठ दिखा देते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यही तो है चांदी का जूता मानना। अब इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उन वकीलों से हम जानने का प्रयास करेंगे जो लगातार ये कहते हैं कि जब तक डीवाई चंद्रचूड़ हैं जब तक न्याय की जो है गुंजाइश की जा सकती है, न्याय मिल सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजन जी, फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने यही कहा था कि जब तक डीवाई चंद्रचूड़ हैं तब तक जो है आप न्याय के लिए लड़ सकते हैं, न्याय आपको मिलकर रहेगा। लेकिन कल जो तस्वीर सामने आती है ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि चांदी का जूता मार दिया गया है। देखिए, वो जो वीडियो है वो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा जारी किया गया है। जो भी है, ये लोग अपना एजेंडा चलाते रहते हैं, गलत सलत वीडियो देखा करके। जो है ये सिर्फ इनका ही वीडियो नहीं, बहुत सारा वीडियो जो है वो गलत तरीके से दिखाते हैं और वो अपनी बात को अपने तरीके से रखने का कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। डीवाई चंद्रचूड़ जब वहाँ पहुँचे तो जब अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल चीफ जस्टिस इज हायर देन द होम मिनिस्टर, तो वो जब पहुँचे तो गृह मंत्री खुद आकर के मतलब उनसे मतलब जो होता है एनडीटीवी तमाम जो चैनल्स हैं या फिर जो स्वतंत्र पत्रकार हैं या यूट्यूब पत्रकारों की बात करो, जिन्होंने वीडियो कल दिखाया, आपने भी देखा होगा, उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अमित शाह का चेहरा देख लो, एक चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी और डायरेक्टली टर्न कर जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ से भाजपा की नाराजगी है। सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भाजपा आईटी सेल के द्वारा नहीं दिखाया गया, ये वीडियो तमाम चैनल्स पर दिखाया गया, लगातार दिखाया गया। नहीं, वो वीडियो का पूरा आप क्लिप देखिए तो आप समझ जाएंगे। वो कुछ ही सेकंड का वीडियो दिखाया जा रहा है उस मुद्दे के लिए। वो जो हैं पहले चीफ जस्टिस आए, उसके बाद वो खुद खड़े होते हैं, गृह मंत्री खुद खड़े होते हैं और उनके पास आते हैं चीफ जस्टिस के पास और दोनों अभिवादन करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत तरीके से दिखाया जा रहा है वीडियो, इसमें कुछ भी मतलब सच्चाई नहीं है इस तरह का, इसको एक सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है। कार्यवाही करने की बात की जा रही है, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या देखते हैं इसको आप? किस सेंस में हटाने का प्रयास किया जा रहा है, किस सेंस में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक कानून बनाया जा रहा है जिसमें ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ भी मतलब लिखते हैं, गलत लिख देते हैं या गलत बोल देते हैं मीडिया में, तो आप पे 3 साल का कार्रवाई हो जाएगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री के खिलाफ, मैं बोल रहा हूँ करके दिखाए कार्रवाई प्रधानमंत्री या उसका जो भी समर्थक सुन रहे होंगे, मैं आग्रह करता हूँ कार्रवाई आप मुझ पर कीजिए। क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं?
अगर गलत बोलूंगा तब तो। एक कहावत है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो वही चीज़ है, गलत अगर आप करेंगे तो गलत के प्रति हमारे समाज में इतने लोग हैं आवाज़ उठाएंगे ही, हम जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे ही, कभी चुप नहीं रहेंगे हम जैसे लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री गलत करे, चाहे न्यायपालिका गलत करे, चाहे कोई भी गलत करे, गलत के प्रति हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए, मेरा मानना है। तो गलत कौन कर रहा है आपकी नज़र? गलत सरकार कर रही है, जिसका शासन वही तो गलत करेगा ना। अभी प्रधानमंत्री जी जो हैं, आप बोल रहे हैं लाल किला पे भाषण देते हैं, परिवारवाद का नाम लेते हैं, किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है हमको ये बताइए? परिवारवाद तो सभी में है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह क्या नेता नहीं है? फिर आपका वसुंधरा राजे, इसका भी तो फैमिली का नेता है ना। तो इस तरह का परिवारवाद करने से क्या मतलब, ये तो मुझे औचित्य ही नहीं लगता है। इस तरह का तो स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए प्रधानमंत्री को। वो सोचते नहीं सब पार्टी गड़बड़ है, बाद बाकी बीजेपी ही सबसे दूध की धुली हुई पार्टी है। अभी देखिए महाराष्ट्र जाते हैं तो भाषण देते हैं भ्रष्टाचारियों के बारे में, लंबा भाषण देते हैं, 70,000 करोड़ खा लिया, ये खा लिया, बाद में उसी 70,000 करोड़ वाले को मिला लेते हैं अपनी पार्टी में। अरे भैया तो ये क्या है? मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा चोरों का सरदार यही है सरकार, नरेंद्र मोदी जी हैं। एक तरफ तो आप चोर कहते हैं, दूसरी तरफ आप उसको अपनी पार्टी में घुसा लेते हैं, तो इसका क्या मायने रख सकते हैं बताइए? समझदार आदमी के लिए तो इशारा ही काफी है। लगता नहीं डीवाई चंद्रचूड़ भी जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे आने वाले समय में? जब ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा। नो हाँ कभी नहीं होगा, ये शामिल नहीं होंगे। अगर शामिल होना रहता ना तो कब के इनके जो जजमेंट हैं उसमें सरकार का झलक नजर आ जाता, सरकार के डिसीजन का। गोगाई जी को क्यों टारगेट करते रहते? किनको? गोगाई को, क्योंकि गोगाई उस तरह का काम किए हैं गोगाई जी। आप देखिए अकॉर्डिंग टू अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू अगर लॉ चलते तो जो राम मंदिर का डिसीजन है वो तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो अब दे चुके हैं, ये चीज़ बोलना मेरे मतलब सही नहीं रहेगा। तो वो डिसीजन वो तो अपनी मतलब मन से दी, उसके बाद उस डिसीजन के बाद ही तुरंत जो है रिटायर होते हैं वो, उसके बाद फिर बना दिए जाते हैं राज्यसभा का सांसद। दूसरी चीज़ जो देखिए, राज्यसभा सांसद से काफ़ी ऊपर होता है चीफ जस्टिस का दर्जा। आप ऐसे मतलब ऊपर से आप नीचे की ओर जा रहे हैं, ये क्या है? गरिमा गिराना हुआ ना, न्यायपालिका का गरिमा गिराना हुआ। यही चीज़ तो मैं उस दिन भी बोला था आपको कि कम से कम एक डायरेक्शन निकलना चाहिए कि इस तरह के जो भी मतलब हैं न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, जब वो रिटायर करते हैं तो कम से कम 10 साल तक किसी भी पद पे वो नहीं बैठ सकें, इस पर एक निर्देश निकालना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार तमाम विपक्ष के पार्टी के नेता हर एक मुद्दे को लेकर पहुंचते हैं, चाहे वो दिल्ली लोकपाल बिल की बात कर लो या फिर किसी भी बिल की बात कर लो, क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी दबाव में है? क्योंकि विपक्ष दबाव में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 26 विपक्ष की पार्टियों ने अलायंस तो कर लिया, लेकिन अलायंस करने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि उनका गठबंधन जो है टूट जाएगा। नहीं नहीं देखिए, विपक्ष दबाव में नहीं है, विपक्ष का तो काम ही यही होता है सरकार का आलोचना करना। एक जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो कहे थे विदाउट डिबेट विदाउट क्रिटिसिज्म नो एडमिनिस्ट्रेशन कैन सक्सीड एंड नो रिपब्लिक कैन सर्वाइव, यानी बिना तर्क का बिना आलोचना का कोई भी जो है शासन वो चल नहीं सकता है और कोई भी गणतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए अगर आपको शासन सही चाहिए तो उसका आलोचना करना पड़ेगा, अगर सरकार गलत करती है तो उसका आलोचना करना पड़ेगा, तभी जो है एक अच्छा शासन आपको मिल सकेगा देश में। अगर सरकार गलत करती है आप उसमें भी आप साथ देंगे तो फिर सरकार को कैसे पता चलेगा गलत कर रही है सही, वो तो गलत ही करते जाएगी, तो फिर जनता का नुकसान है इसमें। तो ये देखा आपने तमाम मुद्दों पर बात की गई और ये भी कहा गया कि जो वीडियो सामने दिखाया गया वो वीडियो सच नहीं है, यानी कि यहाँ पर राजन ने जो एक पर्दाफाश करने का काम किया वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जिक्र करें तो वन इंडिया नाम का एक चैनल साफ तौर पर ये कहते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि CGI चौंक गए, इस तरीके की बात करते हैं। इसके साथ देखा जाए दर्शकों तो यहाँ पर जो है CGI चंद्रचूड़ का अमित शाह से आमना सामना हुआ तो आप देख कर चौंक जाएंगे, यानी कि उस वीडियो को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर DY चंद्रचूड़ का अपमान भाजपा पार्टी ने किया। तमाम चैनल इसको लेकर जो है लगातार दिखा रहे हैं कि ये PM मोदी के सामने जो है CGI चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़ लिए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि तमाम बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं। लेकिन राजन का यही कहना है कि अगर उस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, एंड तक उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको तनिक भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अपमान हुआ है, बल्कि ये उनका द्वारा कहा गया है कि अमित शाह जो है खुद उठकर आए। लेकिन वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे कि इस वीडियो को आप देखिए।
तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि असलियत क्या है। आप पूरी बयान को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट।